We are awesome. You all are awesome. So you also give me some positive energy. Okay, then. Okay. All right. So, how was the exams? Exams kaise gaye? Very good. Very good. Mathematics. और कौन से सबसे बेकार गया? कोई भी सबसे बेकार नहीं है. कोई भी बेकार नहीं गया. Very good, Mathematics. So, अब एग्जाम्स भी खत्म हो गए, ऑटम ब्रेक भी मिल लिया, दशहरा की छुट्टी भी हो गई. So, did you enjoy in your dशहरा vacations? Yes, ma'am. Yes. क्या किया? Yes, ma'am. What did you do? मैम रावण बनाया. मैम सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल. मैम उसे जलाया. Oh, wow, Pranav, you just burnt the rawan. Ma'am, yes, ma'am, पटाखे लगाए थे. Ma'am, I also. Okay, wow, so nice. मैंने गुब्बारे का रावण बना के फोड़ दिया. मैम क्योंकि मैं पॉल्यूशन नहीं कर रहा था. ओके, पॉल्यूशन नहीं करना था तो गुब्बारे बना के फोड़ दिए. ऑलराइट, नाउ टेल मी हाउ मेनी चिल्ड्रन दिवाली पसंद है या दशहरा? दिवाली में कौन सा मिठाई पसंद है सक्षम? मम्मी काजू कतली. ओके, आप मेरे घर पे होते ना मैं बहुत खिलाती, क्योंकि मेरे ऑफिस से ना काजू कतली आती है और मैं खाती ही नहीं. काजू कतली तुम्हें भी काजू कतली पसंद है? काजू कतली पसंद है. ओके, मेरे को तो लड्डू पसंद है. लड्डू हम दोनों मिलके खाएंगे लड्डू, ठीक है, दिवाली में. ओके मैम. ऑलराइट, नाउ व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई विल बी शोइंग यू दिस. कैन यू सी इट? बट यू कैन लर्न टू सर्व. और अच्छे से पढ़ो एक्शन के साथ. यू कैन नॉट स्टॉप द वेव्स. अनुष्का, आर यू आरव? तुम आरव हो गए, जेंडर चेंज हो गया तुम्हारा. Yeah, Aram. Yes, with you action. Can not stroke the waves, but you can learn the surf. Learn to surf. You can learn to surf. So you cannot stop the waves, but you can learn to surf. Wow. Iska matlab mujhe kaun batayega? Okay, Saksham, very good. Batao beta, iska matlab? मैम हम पानी की लहरों को तो नहीं रोक सकते, पर हम मैम उनपे सर्फ करना सीख सकते हैं. हाँ, मैंने ये बोला अनुवाद करो हिंदी में, आपने तो ट्रांसलेट कर दिया हिंदी में. मतलब क्या है इस चीज का, मुझे वो चाहिए. कुछ मतलब तो होगा ना ये कोट का. मैं बताऊं? हाँ आरव बताओ. मैं बताऊं? मैम यस मैं आई टेल. Yes, Sarah. मैम यस, जैसे मैम परेशानियां आती है तो हम परेशानियों को रोक नहीं सकते, पर उनको मैम उससे लड़ना सीख सकते हैं. Very, very good. मैम मेरा भी यही था. Now, next thing, the next I want is Anukalp. Anukalp, read this. मैम ओके मैम.
लाइफ इज 10% ऑफ व्हाट हैपन विद एक्शन और अच्छे से एक्टिंग के साथ. ओके मैम. लाइफ इज 10%. ओके मैम. लाइफ इज 10% ऑफ व्हाट हैपन्स टू यू एंड 90% ऑफ हाउ यू रिएक्ट टू इट. वेरी वेल. सो इसका मतलब क्या है? लाइफ इज 10% ऑफ व्हाट हैपन्स टू यू, 90% हाउ यू रिएक्ट टू इट. इसका मतलब कौन है? क्या है? बहुत इजी है मैम. कैन हितेश? यस हितेश बेटा. मैम उसमें बताया गया कि मैम ये मैम लाइफ मैम 10% तो हमारी लाइफ ये देखती है कि हम कैसे हैं, कैसे बिहेव करते हैं. नहीं, एक बार फिर से पढ़ लो. ध्यान से सुनो. लाइफ इज 10% ऑफ व्हाट हैपन्स टू यू, 90% हाउ यू रिएक्ट टू इट. मैम लाइफ 10% होती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है और मैम 90% होती है कि तुम कैसे रिएक्ट करते हो. मैम मतलब कितनी भी परेशानियां आती है उनमें हमें ज्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए, उनसे डटकर मुकाबला करना चाहिए. ऑलराइट. नहीं किसी ने नहीं बताया ये, पहले क्लास के बच्चे ने सारे ने अमेजिंग कराई ये एक्टिविटी. क्या है इसका मतलब? मैम लाइफ 10% नैतिक. हाँ बताओ बेटा नैतिक गोयल. मैम इसका मीनिंग है कि मैम हम अपने मुश्किलों को तो कभी रोक नहीं सकते मैम, पर उसका सॉल्व कर सकते मैम कोई तरीका निकाल के. ना यस अक्षम, अनुवाद नहीं करना है बेटा. आप बताइए. मैम हमारी परेशानी इतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उनको बना देते हैं. अगर हम उनसे लड़कर हम उनको ओवरकम करें तो हम उनको कम कर सकते हैं. वेरी गुड. अब समझ में आ गया सक्षम को. एग्जाम्पल दे सकते हो एक सक्षम व्यक्ति भी बच्चा दे सकता है एक एग्जाम्स. हाँ बताओ. मैम एग्जाम्स में हम सोचते कि बहुत ज्यादा ही हमारे ऊपर लोड है, ओवरलोड है, तो मैम हमको ज्यादा ही करना पड़ता कि हमें बहुत डर लगने लगता है कि कैसा होगा पेपर, कैसे मार्क्स आएंगे. अगर मैम अच्छे से पढ़े तो मैम हम उसको ओवरकम कर सकते हैं. वेरी गुड. और सबसे सिंपल एग्जाम्पल है तुम बच्चों का. पापा ने बोल दिया ऑटम ब्रेक पे जाएंगे शिमला, तो प्लान कैंसिल हो गया. तो पापा को क्या बोलेंगे? पापा जाना है जाना है जाना है, आपने प्रॉमिस करा था जाएंगे, क्यों नहीं जा रहे पापा? आप हमेशा वादा करके वादा तोड़ देते हो. मुझे मम्मी ने बोला आ जा खाना खा ले. नहीं मुझे खाना भी नहीं खाना, मुझे किसी से बात भी नहीं करना, अब से तो मुझे कहीं जाना भी नहीं है. तो बात है इतनी छोटी सी पर ने बना दिया इतना बड़ा. दैट इज व्हाट इट मींस. हम राय का क्या बना देते हैं? पहाड़. पहाड़. सो इसका मतलब यही है. अरिहान रीड दिस. यस मैम. एवरी डे मे नॉट बी गुड बट There is something God in good in every day. वही चीज और जोर से मुंह खोल के जोर आवाज. Every day may not be good, but there is something good in every day. Arnav, explain it. Thank you, Arihan. Explain, Arnav. Yes, ma'am. मैम इसमें बता करती हर Yes, ma'am. इसमें बता करती हर दिन अच्छा नहीं होता, लेकिन मैम हमें हर दिन को अच्छा मांग कर एक्सेप्ट करना चाहिए. नहीं नॉट रियली मैम, क्योंकि हर दिन में हमारी जो भी प्रॉब्लम आती है मैम उससे हम वो हमें कुछ सिखा के जाती है. ओके थोड़ा थोड़ा तुम दोनों करे करो, फिर से मैं सुनाती हूँ. एवरी डे मे नॉट बी गुड, एवरी डे मे नॉट बी गुड, बट देयर इज समथिंग good in every day. Mam can you tell?
मैम हमारे एक दिन में अच्छे होते हैं लेकिन या प्रणव चार दिन अच्छे होते हैं हमारे मैम प्रणव हमारे कोई भी दिन मैम अच्छे नहीं होते लेकिन मैम मैम उसी दिन के अंदर मैम मैम कोई कोई चीजें मैम अच्छी होती हैं थैंक यू वेरी मच सो प्रणव इज राइट कैन यू गिव मी एन एग्जांपल प्रणव एग्जाम्पल जैसे कि मैम हमारी क्लास चल रही होती है और मैम हमें कोई आंसर नहीं आता ठीक और फिर हमें कोई आंसर फिर हमें पूरी क्लास को कोई आंसर नहीं आता लेकिन तब हम आंसर आता है तो वो अच्छा मोमेंट होता है ओके अनदर एग्जाम्पल कैन बी आपके ना हिस्ट्री पेपर अच्छे अच्छे नहीं गए बेकार गया मैम मैम उसके बाद एक मिनट आरुष उसके बाद इंग्लिश पेपर था आपने इतना अच्छा करा तो हमारे मैथ्स पेपर जो भी बुरा गया था उसके बारे में हम सोचते रहते हैं और मूड खराब करते पर जो अच्छा गया है उसे हमें ध्यान नहीं होता तो पूरी हमारे दिन में जब कोई बुरी बात होती है तो अच्छी बात भी कोई ना कोई जरूर होती है समझ में आया हाँ आरुष कुछ बोलना चाहते हो बेटा मैं हमारी क्लास अभी भी चल रही है तो हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं वो बता रहे हम स्टार्ट नहीं कर रहे टॉपिक का नाम ठीक है आरुष यू स्टार्ट टेल दिस कोट Problems are not signs, they are Judy, guidelines. Or loudly, फिर से एक बार. Problems are मुंह में ऐसे डालना नहीं है, वैसे भी सुनाई देता है, हाँ. Problems are not signs, they are guidelines. 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 So problems. Problems are not signs, they are guidelines. Yes, Moksh beta. Ma'am, हम problems sign नहीं होते, ma'am उससे हमें एक अगर एक गलती करते हैं तो कुछ सीखने को मिलता है उस problem से. Ma'am तो वो guide करते हैं problem हमें. Very good. Up next, who wants to read? Aryan beta पढ़ो. A winner is a dreamer who never gives up. Right. So a winner is a dreamer who never gives up. Tanisha, explain meaning. Tanisha will be marked absent because she's not responding. Okay. Ma'am, may you repeat again? It is a winner is a dreamer who never gives up. Akshita beta, can you try beta? Ye quote ka matlab? Yes, no, I can tell. Please, Akshita is speaking. Yes. Yeah. Can I? Jo a winner hai, wo matlab. ड्रीमिंग तो करता है लेकिन कभी हार नहीं मानता राइट कैन यू गिव मी एन एग्जांपल यस मैम मैम जैसे मैम एक खाना आरुही प्लीज म्यूट योरसेल्फ वेट एक मिनट बेटा आरुही म्यूट योरसेल्फ ऑल द चिल्ड्रन म्यूट योरसेल्फ आई ओनली वांट अक्षिता टू टर्न द म्यूट बटन ऑन या यस मैम लाइक द आंट जैसे आंट खा मतलब आंट सपने देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारा खाना हो विंटर के लिए जमा हो जाए और मैम फिर मतलब वो मेहनत करती है मतलब कभी हार नहीं मानती इसलिए हमें ऐसे चीटी की तरह बनना चाहिए कभी हार नहीं मानना वेरी गुड एंड द लास्ट वन ध्रुव ध्रुव आर्या विल रीड ध्रुव मैम यस रीड दिखाई दे रहा है A beautiful day begins with a beautiful mindset. Okay. फिर से जोर से बेटा. A beautiful day begins with a beautiful mindset. Thank you. Aryan, explain करो इसका मतलब क्या है?
मैम जो हमारा अच्छा जाता है डे, उसके अंदर हमारा जो माइंड होता है वो अच्छा रहता है। राणा भाटी प्लीज एक्सप्लेन। मैम मे आई रीड? नो राणा भाटी एक्सप्लेन, समझाओ ये इसको। मैम जो हमारा डे स्टार्ट होता है वो एक अच्छे माइंडसेट से होता है। नहीं, थोड़ा उल्टा बोल रहे हो आप चुप सारे। मैम वंशिता वंशिता एक्सप्लेन, आप चुपचाप हो, आप बोलो। वंशिता आफ्टर दैट आरुई, वंशिता अगर नहीं बोल पाए तो आरुई बताएगी। मैम एक जो ब्यूटीफुल दिन होता है अगर वो शुरू होता है तो उससे हमारा जो माइंड होता है वो भी साफ रहता है। माइक एंड टैब व्हिच इज मोर पावरफुल। हम सुबह मैम हम ये टेल माइक एंड टैब आरुई टेल आरुई टेल। मैम अगर हमारा अच्छा माइंड सेट होता है तो हमारा दिन भी बहुत अच्छा जाता है। थैंक यू स्वीट हार्ट, वेरी गुड। सभी ने इसको उल्टा बोल दिया। हमारा माइंड सेट होता है जो डिसाइड करता है हमारा आगे का दिन कैसे जाएगा। अगर मैं माइंड में बिठा लूं कि मेरा आज का दिन जैसे करके भी अच्छा होगा, then my mind, because of my mindset, the day will be good. If my mindset is negative, बेकार जाएगा, तो सच्ची में मेरा दिन भी बेकार जाएगा। So very good job, आरोही। All right. So एक चीज बताओ, ये सारे जो quotes थे ना, वो एक चीज बार बार बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? मैम can I tell? कैन आई टेल बोल रहे थे ये सारे थॉट्स। पॉजिटिव थिंकिंग वेरी गुड। सो ऑल दिस टॉपिक हमें अच्छी बातें सीखनी चाहिए। Right, so as you all said, all this talked about one important thing, that is positive thinking. So today's topic of the workshop is positive thinking. So what do we mean when we say positive thinking? Positive thinking का मतलब क्या है? मैम की अच्छा सोचना। अच्छा सोचना। और क्या अच्छा सोचना जरूरी है? अच्छा नहीं सोचेंगे तो दिन भी हमारे खराब ही जाते रहेंगे और हमारे माइंड में भी मैम वो डर्टी भर जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच अंकुर, गुड जॉब। Should I tell? Yeah, you can. Yes, ma'am. Ma'am, अगर हम positive thinking नहीं रखेंगे तो हमारे mind में negative बातें आती रहेंगी। Okay, very good. All right. So positive things is a very important role in our life. Positive thinking means सही या अच्छी सोच रखना। तो ये पॉजिटिव थिंकिंग को हम आज एक मैजिक मंत्र के साथ सीखेंगे और वो मैजिक मंत्र है TBAR। व्हाट इज द मैजिक मंत्र? TBAR बोलना, जोर से बोलो। मतलब क्या होता है TBAR? वेरी गुड सक्षम। टी से आता है हमारा थॉट्स। बी से क्या आ सकता है? एम ब्रेन। ब्रेन नहीं, एम ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल भी नहीं, ब्यूटीफुल बट नहीं। तुम्हारी मम्मी सुबह नहा के ब्रेकफास्ट। अरे ब्रेकफास्ट आ सकता है हमारे पॉजिटिव थिंकिंग में? नहीं बेटा, भूख लग रही है आप लोगों को, ब्रेकफास्ट बोल रहे हो? नो। ओके, तो
सक्षम मम्मी से पूछना, जो भी पास में है मत पूछना, अपना दिमाग चलाना। मैम हमने किसी से नहीं। ओके सो बी से टेल मी वन थिंग। हम सुबह उठ के ना, जब सुबह मम्मी उठती है सो मम्मी एक चीज करती है नहाने और ब्रशिंग के बाद क्या करते है? मैम ब्रशिंग एंड वॉशिंग, ब्रशिंग एंड वॉशिंग। अरे ये दोनों गलत है। उसके बाद क्या करते है? उसके बाद मैम साफ सफाई, मैम दूध लाते हैं। अरे ये नहीं करती तुम्हारी मम्मी पापा। मैम ब्लेसिंग, ब्लेसिंग योगा, ब्लेसिंग, मैम ब्लेसिंग, मैम ब्लेसिंग। ये किसको करते हैं? ऐसे किसको करते हैं? मैम गॉड, मैम वर्शिप, मैम आरती, मैम गॉड, गॉड, मैम ब्लेसिंग, मैम गॉड, मैम गॉड, और वो भगवान को पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान है हमें कृपा, मैम उनकी कृपा आएगी। अब हिंदी शब्द बोलने लग गए आप लोग तो। हैप्पीनेस एच का वर्ड अब तो आप लोग सच्ची में। मैम ब्लेसिंग, मैम प्रेयर। सुनो आप ध्यान से सुनो, बिफोर यू आंसर दिमाग चलाओ। भगवान को प्रे इसीलिए करते हैं क्योंकि भगवान पे क्या है तुम्हारी मम्मी को भरोसा, विश्वास। भरोसा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बिलीव आता है। Correct. और ए से क्या आता है? डायरेक्टर, डायरेक्टर जब भी आशीर्वाद, मैम आशीर्वाद। अरे आशीर्वाद को ब्लेसिंग्स बोलते हैं। आशीर्वाद इज नॉट अ इंग्लिश वर्ड। ट्रस्ट, आई एम गिविंग यू अ हिंट। जब भी वो होता है डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर कुछ बोलता है शूटिंग से पहले, एक्शन, 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 करेक्ट। और आर से आता है एक शब्द जिससे बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं, अंधविश्वास। आर से घोस्ट आता है, भगवान जी से आता है। आर से बेटा क्या वर्ड, क्या है मैम वर्ड? हम आर से वो अच्छा, मम्मी क्या हमें हिंट दे रहे हो? वो अच्छा नहीं गया तो मम्मी और पापा से धुलाई पड़ती है। अब ये हम पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग के ऊपर डिसाइड करते हैं। ओके सो एग्जाम्स आने वाला है, दो दिन है, तो मैं बोलूंगी अरे यार एग्जाम्स आने वाले हैं ना, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, आई हैव नॉट स्टडीड एनीथिंग, आई डोंट नो व्हाट विल हैपन। Is this a positive or negative? Negative thinking. So what will happen is, अरे exams के लिए पढ़ाई नहीं है तो मुझे नहीं लगता इस साल तो मैं पास होने वाली हूँ, भगवान प्लीज मदद कर देना। तो my thoughts get converted into my negative. So my negative thoughts get converted into my belief. Okay. Now, what happens is, इतना सारा है पढ़ने को भगवान, कितने सारे बुक्स है, इस बुक्स में से ना मैं दो चैप्टर करूंगी या तीन चैप्टर कर लूंगी क्योंकि ये पेपर इम्पोर्टेंट है, इसमें से ना मैं दो चैप्टर कर लूंगी, इस बुक से मैं ना दो चैप्टर कर लूंगी, इसके लिए तो टाइम ही नहीं बचेगा, ये सारे बुक्स में छोड़ देती हूँ भगवान। So, मेरा actions जो मैंने किया वो ज्यादा था या कम था? कम था। As a result, मेरा
मार्क्स भी जब रिजल्ट आएगा और मार्क्स आएंगे, मेरे मार्क्स भी थ्री इडियट्स के कैसे, थ्री इडियट्स मूवी किसने देखा है? थ्री इडियट्स के कैसे आएंगे, थ्री इडियट्स के किसके लोग जैसे आएंगे मेरे मार्क्स? फरहान और राजू के जैसे ऊपर से मार्क्स आएंगे या नीचे से देखेंगे हम? नीचे से राइट। अब मान लो क्लास में दो बच्चे हैं, ठीक है, सक्षम और आरव। सक्षम हमेशा जीतता है, तो आरव ने मार्क्स सोचा, अरे इस टाइम तो मैं सक्षम को जीत के रहूंगा, हमेशा ये खाली फर्स्ट आता है, इस टाइम तो मैं इसे जीतूंगा ही जीतूंगा। पॉजिटिव थॉट है या नेगेटिव थॉट है? पॉजिटिव। सक्षम को जीतने के लिए मुझे सक्षम की जितना तो मेहनत करना पड़ेगा, जितना वो पढ़ता है उससे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो मेरा थॉट्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू माय बिलीफ कि मैं जैसे कैसे करके इसको जीतूंगा। अब सक्षम करता है पढ़ाई दिन में 2-3 घंटे और मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, 2 घंटे जितना पढ़ता हूँ, तो मैं भी 3-4 घंटे पढ़ लूंगा। सक्षम जब भी कुछ क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो हाथ खड़ा करके बोलता है, मैम कैन यू एक्सप्लेन दिस टू मी। अब से तो मैं भी करूंगा, जो बात मेरे को समझ में नहीं आया ना मैं हाथ उठा के बोलूंगा, मैम कैन यू एक्सप्लेन दिस टू मी। और अब सक्षम बहुत स्पीड में राइट करता है, मेरा तो स्पीड इतना है ही नहीं, मुझे भी स्पीड का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, राइटिंग स्पीड। तो मैं ना एक्शंस कम लेती हूँ या ज्यादा लेती हूँ? As a result, जब मेरा रिजल्ट आएगा तो मैं भी रणपुर दास ठाकुर जैसे क्या करूंगी, टॉप करूंगी। या मैं सक्षम जैसे ही आ जाऊंगी या सक्षम को भी मैं जीत सकती हूँ। That is a case of positive and negative thinking. So positive thinking and negative thinking plays a very important role in our lives. तो ज्यादातर हमें positive thinking होना चाहिए या negative thinking होना चाहिए? ज्यादा positive thinking. Positive thinking. Right. So I will show you a video of a man who is one of my favorite. And the reason, you know why? Is because this man is, he is never negative. He is always a positive person. Iske jo ye insaan ki baat kar rahi hu, his name is Nick Vujicic. What is his name? Kya hai iska naam? Nick Vujicic. What is his name? Nick Vujicic. Right. So this person, uske yahan se haath nahi hai. दोनों हाथ यहाँ से नहीं है, यहाँ से नहीं है, और दोनों पैर नहीं है, दोनों पैर यहाँ से नहीं है, मतलब यहाँ यहाँ से जो हमारा हाफ पैंट पहनते है वहां वहां से नहीं है। तो जस्ट इमेजिन, जो पुराने जमाना का फोन होता था ना ऐसे घुमाने वाला, तो वैसे घुमाने वाला फोन हम कैसे उठाएंगे, हम वो फोन कैसे उठाएंगे? हैंड से आराम से फोन बजा, ऐसे उठा लिया, ऐसे करा और बोला हेलो, यस और नो? पर जिसका हाथ और जिसका हाथ भी नहीं है, लेग्स भी नहीं है, तो कैसे वो अपना, कैसे वो फोन उठाएगा? शोल्डर से, फैमिली मेंबर को बुला लेगा शोल्डर से। नहीं, शोल्डर भी नहीं है ना, इतना नहीं है, ये इतना नहीं है, यहाँ तक नहीं है। मैं मुंह से नहीं, फिर बात कैसे करेगा? नहीं, सो व्हाट ही डज इज उसके पैर में ना, अभी वीडियो में दिखा दूंगी, छोटे छोटे एक पैर जैसे बनाए, तो वो क्या करेगा, वो पैर से वो फोन को उठाएगा और ना जब उठाएगा ही विल थ्रो फ्रॉम दैट टू हियर,
एंड ही हैज टू होल्ड इट लाइक दिस, ऐसे पकड़ना चाहिए, क्योंकि ये तो नहीं है, जैसे ही फेंका ऐसे तो कान से ऐसे पकड़ना चाहिए। तो क्या तुम्हें लगता है एक ही बार में करा होगा इसने? मैम नो नो, कितनी बार कोशिश किया होगा, कितनी बार कोशिश किया होगा, पर हजार कोशिश करने के बाद उसे आया होगा, फिर भी एक ही चीज नहीं किया, इज ही नेवर गिव अप बिकॉज ही हैड दिस पॉजिटिव थॉट। और उसको हम, हमारे पास सब कुछ है, ये सो नो, हाथ भी है, पैर भी है, टांग भी है, पर कितने लोगों को स्विमिंग नहीं आती, कितने लोगों को पियानो चलाना बजाना नहीं आता, कितने लोगों को बहुत सारी चीज नहीं आती, ये सो नो, पर ये उसके पास हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, पर उसे स्विमिंग करना आता है, फुटबॉल खेलना आता है, उसे म्यूजिक पियानो प्ले करना आता है, उन्हें ड्राइविंग आती है, उन्हें लिखना आता है। सो दैट व्हाट पॉजिटिव थिंकिंग डज टू अस। सो डू यू वांट टू सी द वीडियो? यस मैम। मैंने सुनाई नहीं दिया? यस मैम। मुझे सुनाई नहीं दिया? यस मैम। राइट, ओके। I wasn't ready. No arms and no legs, but I'm very thankful that I have my little chicken drumstick here. People freak out when they see me for the first time. It's so cool. I was at a water slide all by myself. Everyone obviously at the bottom of the slide is looking up and waiting for other people to come down, and here I come and they're freaking out. They're like, you know, like this. And I was so tempted to look at myself and go, what happened? You know? There were times where I sort of looked at my life and thinking, well, I can't do this and I can't do that. And you keep on concentrating on the things that you wish you had or the things that you wish you didn't have. And you sort of forget what you do have. And there's no point, I believe, in my life where I wish I had arms and legs, I wish I had arms and legs, I wish I had arms and legs. I believe in my life where I wish I had arms and legs, I wish I had arms and legs. And there's no point, I believe. Do you see that leg kind of a thing here? Yes. हाँ, this is what he lifts the phone with. That landline phone ये दिख रहा है फोने में? Mam, yes. Yeah. So he picks up with this hand, throws directly here, and he has to catch it with this part of the face. Got it? In my life, where I wish I had arms and legs, I wish I had arms and legs, I wish I had arms and legs, because wishing won't help, but. What I've seen in life are just a couple key principles, and the first thing that I've seen is to be thankful. It's hard to be thankful, man. I tell you, when I was 8 years old, I sort of summed up my life and thought, I'm never going to get married. I'm not going to have a job. I'm not going to have a life of purpose. What kind of a husband am I going to be if I can't even hold my wife's hand? It's a lie to think that you're not good enough. It's a lie to think that you're not worth anything. It's freezing, I can't feel my hands. I love life. You know, so many people come and say, how come you smile so much? And I'm like, well, it's a long story. But it's very simple at the same time. You see, it's very hard to smile sometimes in life. There are things that happen that you don't know and you don't understand, and you don't know if you're going to get through it. You know, you go through your storms in life and you don't know how long this storm is going to be. And today I want to share with you some principles that I've learned in my life that you can use in yours.
being patient is beautiful. I tell you, it's the hardest thing. But I realize I may not have hands to hold my wife's hand, but when the time comes, I'll be able to hold her heart. I don't need hands to hold her heart. You know, it is scary to know how many girls have eating disorders. It is scary to know how many people are just angry at life because of their situation at home and angry at others. It's scary to know how many people actually feel like they're worth nothing. Every single girl right here, right now, I want you to know that you are beautiful. You are gorgeous just the way you are. And you boys, you're the man. So you see this video? Yes, ma'am. Such a nice video, ma'am. Right? हम जैसे उन्होंने बोला हम जिंदगी में जो नहीं है हमारे हम उसी को लेके फिर जाते हैं अरे सारे के पास है बस मेरे पास नहीं पर जो है we need to go ahead and be thankful for what we have but in life most of the times we are very ungrateful right so we need to be grateful we'll look at the video once or one more time next time and we'll discuss this and I have an interesting video activity next time that I'll do with you all children so ensure next time aapke paas ek paper aur pencil ho theek hai okay ma'am all right so take care of yourself and stay happy stay naughty and stay smiling always all right so take care everyone bye bye remember thank you teachers bye bye